प्रिय छात्रों, स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक अच्छी वैकेंसी आई है आपके लिए, असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट हो रहा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सैलरी 80,000 है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपने सिंपली BA, BSc, BCom, BCA या फिर BTech या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, फ्रेशर्स इसमें एलिजिबल है। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। ये वैकेंसी आई है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से है। और नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? स्टेचुअरी बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसको कोई प्राइवेट वैकेंसी आप मत समझें। लिखा है द नेशनल हाउसिंग बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन द कंट्री इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल एंड एथेनजेटिक पर्सन एंड रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो दो तरह की वैकेंसी, एक रेगुलर है और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो यहाँ पर क्लियर कट में मेंशन किया हुआ है कि कौन सी पोस्ट रेगुलर है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी पोस्ट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये सब इरेगुलर है। और यहाँ इसके बाद नीचे जो पोस्ट हम आपको दिखाएंगे ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो पहले रेगुलर पोस्ट देख लेते हैं। रेगुलर पोस्ट में जो यहाँ पे दी गई है, जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस की पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्रेडिट की पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर क्रेडिट की पोस्ट है। तो इन तीनों पोस्ट में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आप भरिए। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है आपके लिए वो इसके लिए बनाया है, असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट के लिए। स्केल 1 की पोस्ट है, SC की 4 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 5 है, EBS EWS की 6 है, अनरिजर्व की 6 है। सब मिला के 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट है। इस पर कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। BA, BSc, BCom कुछ भी किया आपने, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल जो ये परमानेंट पोस्ट हैं ये 23 हैं और इधर कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये देखिए, यहाँ पे BCom वाले जो हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि BCom से अगर आपने ग्रेजुएशन किया, यानी कि BCom किया हुआ है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, BCom किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कई पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पोस्ट है इसकी टोटल जो नंबर्स हैं 25 हैं। आगे इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स में आल्सो अप्लाई फॉर दी पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑन डेपुटेशन। एक इस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है, 29 तारीख से यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू होगा और 19 जुलाई तक चलेगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट पे जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है और उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, उसके लिए मैं फिर आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि आप बिल्कुल तैयार रहिए इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी वैकेंसी है। और इसके ऑफिसेज आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर के बाद यहाँ पे चंडीगढ़ है, रायपुर है, भुवनेश्वर है, रांची है, तिरुवनंतपुरम है, पटना है। मतलब जो बड़े स्टेट्स आ रहे हैं, सभी स्टेट के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप जिस भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो ये समझ लीजिए आपको अपने स्टेट की कैपिटल में, अपने राज्य की राजधानी में नौकरी करने का अवसर इस वैकेंसी से मिल सकता है। सैलरी 80,000 के आसपास है और सिंपली ग्रेजुएशन मांगा है। एग्जाम होगा इसका रिटर्न, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है हम आपको पूरी अपडेट इसके बारे में देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।